नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है काजल राघवानी। सोच रहे होंगे काजल राघवानी जो है आजकल खुलेआम तौर पर आ गई हैं, मतलब खुलेआम तौर पर आकर कंट्रोवर्शियल विवादित बयान दे रही हैं और वो बयान आप सभी के चाहते हमारे चाहते सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को दे रही है। और खेसारी लाल यादव को जब दे रही हैं तो फैंस कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। चलो एक लिमिटेशन होता है, एक सीमा होता है कि यहाँ उस हद तक बोले या उस टाइम पीरियड तक बोले तो चीजें लगती है कि हाँ एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इट्स ओके, हाँ हो सकता है, मे बी मे नॉट बी। लेकिन जो काजल राघवानी है ना, वो 4-5 साल बाद आकर, मतलब रिश्ते में रही ठीक है, चलो चलता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब अलग हुई या फिर जब उस समय थी तो क्यों नहीं बोली, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और 4 साल के बाद अचानक से आकर बोलने की क्या जरूरत है, कहीं भाई जब अलग हो गए हो तो उसी समय क्लियर करके आ जाओ भोजपुरी इंडस्ट्री के बाहर कि हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन नहीं, 4 साल बाद, मतलब अलग होने के बावजूद भी बीच में काजल राघवानी ने गाने किए, काजल राघवानी ने स्टेज शो किए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आया, लेकिन 4 साल बाद अचानक आकर अनाप शनाप खेसारी लाल यादव जी के बारे में बोलना, ये कहाँ तक सही है। और सब कोई जानता है, सब कोई समझता है, इतना इंटेलिजेंट तो हर कोई है कि भाई जब काम कर रहे थे तो राजा सैया किस चुमा स्टेज पर सब कुछ हो रहा था, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है सुपरस्टार को लेकर बोली जा रही थी। तो क्यों उस समय बोली जा रही थी, क्योंकि उससे काम करवाना था, उनके साथ काम करना था, पैसा कमाना था, नाम शोहरत सब कुछ कमाना था। लेकिन अचानक से 4 साल बाद इस तरीके की एक्टिविटी आप कर रही हैं। अब सवाल ये है कि भाई आखिरकार काजल राघवानी को जब कुछ फायदा है नहीं, 4 साल बाद इस तरीके की बातें कर रही हैं, लोग समझ भी रहे हैं, तो इसका रीजन क्या है, क्यों काजल राघवानी इस तरीके की बातें बोल रही हैं। तो ये जानकारी जो निकलकर सामने आई है वो सच में चौंका देगी। जी हाँ, बात करें तो जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि काजल राघवानी को एक फेमस टीवी शो है जिसका नाम बिग बॉस है। जी हाँ, बिग बॉस से काजल राघवानी को फोन आया है और ऐसी जानकारी मुझे ऑथेंटिक तौर पर मिली है, ऑथेंटिक पर्सन और ऑथेंटिक तौर पर मुझे मिली है कि भैया काजल राघवानी को सलमान खान वाला जो बिग बॉस है ना, उससे ऑफर आया हुआ है और उस ऑफर में उनको ये कहा गया है कि थोड़ा सा विवाद उबाद कीजिए, थोड़ा कंट्रोवर्सी में आइए, थोड़ा चर्चा का विषय बनिए, तो आपको जो है बिग बॉस में बुला लिया जाएगा। और शायद इसी बात पर काजल राघवानी जो है वो अटक गई हैं, ना वो अपना रेपुटेशन देख रही है, ना दूसरे का रेपुटेशन देख रही है कि उस बेचारे के साथ क्या होगा, लेकिन उखड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं परसेप्शन छवि खराब करने की कोशिश तो की जा रही है ना। लेकिन इन सबसे परे काजल राघवानी की जो बात निकलकर सामने आई है कि बिग बॉस से उनको न्योता आया है कि आइए, लेकिन उससे पहले आपको विवाद करना पड़ेगा, और काजल राघवानी ये बेतुका आकर बयानबाजी करने लगी है। अब बताइए कि जब इधर से आपको कुछ नहीं बोला गया, इनके टीम के तरफ से, इनके यूट्यूबरों के तरफ से आपको उंगली नहीं की गई, तो फिर आपको अचानक से चैनलों पर आकर इंटरव्यू देने की क्या जरूरत थी, ये बिल्कुल भी समझ से परे है ना। इसके बाद उनको एक बार अभी जब कार में घेरे हुए थे तो उस समय आकर सफाई दे रहे थे कि नहीं, खेसारी लाल जी ऐसा नहीं कर सकते, उनके फैंस नहीं कर सकते हैं ऐसा, ये कुछ लोग थे। और उसी के कुछ ही घंटों बाद वीडियो आपका आ जाता है जिसमें आप कई तरीके की कॉन्सपिरेसी खेसारी लाल यादव को लेकर करती हैं और खेसारी लाल जी को लेकर बयान दे देती हैं। तो ये जो बड़ी जानकारी आई है वो ये है कि बदनाम करिए, बदनाम करिएगा तो आपको जो है चर्चा का विषय बनना पड़ेगा, और चर्चा का जब विषय बनेगी तो हम आपको बुलाएंगे, ऐसा बिग बॉस का कहना है, ऐसी जो जानकारी मुझे निकलकर सामने आ रही है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी है, इसलिए काजल राघवानी जो है इतना ज्यादा जोर लगा रही है, इतना ज्यादा विवाद कर रही है कि भैया मुझे बिग बॉस में जाना है तो इनको बदनाम करो। खैर, इससे काजल राघवानी को कुछ फायदा होता तो होने वाला नहीं है, बिग बॉस में भी जाएंगे तो कौन वोट करेगा उनको, वहां पे भी वोटिंग सिस्टम होते हैं तो वोट कौन करेगा, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री को आप लेके जाएंगे तो कौन आपको वोट करेगा, क्या खेसारी लाल यादव के फैंस से कोई फैंस है ज्यादा जो आपको वोट करेगा और आप जीत पाएंगी वोटिंग के सिस्टम में, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने खुद ही कुल्हाड़ी पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है और इसका कुछ भी आने जाने समय में बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और काजल राघवानी बस ऐसे ही बड़बड़ बड़बड़ बोल के चली जाएंगी
और इसका बेनिफिट कुछ भी मुझे लगता है कि नहीं होगा। खैर जो भी है, खेसारी लाल यादव को लेकर जिस तरीके के आरोप लगा रही हैं वो बिल्कुल निराधार है। निराधार नहीं होता तो वो पहले ही ये आरोप लगा सकती थी, लेकिन 4 साल बाद जब मामला पूरा शांत हो गया है, अलग होने के बावजूद बीच में भी कई सारे गानों में काम भी किए, स्टेज शो भी किए, लेकिन अब इस तरीके की हल्की हल्की बातें आकर बोलना, ये एक निस्तम मानसिकता की चीज़ों को दर्शाता है। और ये दर्शाता है कि सच में कहीं ना कहीं आपको कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। बाकी इस पर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे, काजल राघवानी को इस तरीके का कॉन्ट्रोवर्शियल बयान देने के पीछे, इस पर भी अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।